हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक नया सर्कुलर आया है और ये सर्कुलर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं किया है। तो गाइस, आपके लिए ये गुड न्यूज है कि इसमें टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। आप लोग फॉर्म भरने का जो टाइम है कॉलेज का रहेगा, यूनिवर्सिटी का रहेगा, ये फॉर्म भरने का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ये क्या सर्कुलर है और कितने तारीख तक ये टाइम बढ़ाया है, तो उसके बारे में आज डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले और हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का अपना वीडियो। उसके लिए जाते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। हाय गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। आपके सामने देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर दिख रहा है जहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है वो हम लोग देखेंगे। तो पहली बात, आपको सबको पता है 5th ऑफ अगस्त तक लास्ट डेट दिया था, उसके बाद एक्सटेंडेड करके 14th ऑफ अगस्त तक डेट दिया था, ये सब हम लोग को पता है। उसके बाद आपके 3 मेरिट लिस्ट लगे हैं, उसमें से फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 6th ऑफ अगस्त को लगा था, सेकंड आपका 10th ऑफ अगस्त और कल 17th ऑगस्ट को आपका थर्ड मेरिट लिस्ट लगा है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है लेकिन कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें मेंशन की है, क्या है देखते हैं। पहली बात, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए 18 ऑगस्ट 2020 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून प्रवेश नोंदणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। मतलब इनके लिए 18 ऑगस्ट से, मतलब आज से सुबह 11 बजे से ये साइट फिर से ओपन हो जाएगी। कब तक रहेगी? 21st ऑफ अगस्त 2020 संध्याकाळी 3 बजे पर्यंत। मतलब आप लोग देख सकते हो 20 अगस्त तक आपके पास टाइम है, ये टाइम तक आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर सकते हो। 4 दिन है, 18, 19, 20, 21 ये है। देन उसके साथ साथ उन्होंने कॉलेज को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कॉलेज ने भी अपना वेबसाइट ओपन करके रखने का है, कब से? 18 अगस्त से ही करने का है, वो भी रहेगा 21 अगस्त तक ही रहेगा, लेकिन ये 5 बजे तक रहेगा। यूनिवर्सिटी का 3 बजे तक रहेगा और कॉलेज का 2 घंटा और एक्सटेंड करके 5 बजे तक रहेगा। इसका मतलब अभी यूनिवर्सिटी का भी साइट ओपन रहेगा 18 अगस्त से 21 अगस्त तक और कॉलेज का भी साइट ओपन रहेगा 18 अगस्त से 21 अगस्त तक। मतलब आप लोग यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा तो वो भी भर सकते हो, कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा तो वो भी भर सकते हो, लेकिन आपके पास 4 ही दिन है। उसके साथ साथ अभी 4th मेरिट लिस्ट भी उन्होंने बोला है कि 4th मेरिट लिस्ट भी लगने वाला है। वो कब लगेगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिनांक 24 अगस्त 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता जाहिर करावी। ओके, इसका मतलब क्लियर है कि 24 अगस्त को आपका 4th मेरिट लिस्ट लगने वाला है, सुबह 11 बजे ये मेरिट लिस्ट लगेगा। एंड देन उसके बाद उसी तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में, मतलब 24 तारीख से 28 अगस्त तक आप लोग अपना जो 4th मेरिट लिस्ट में जिनको नाम आया है वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 18 अगस्त से फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चालू हो रहा है, 21 अगस्त तक है वो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, यूनिवर्सिटी रहे या कॉलेज रहे। देन उसके साथ साथ 24 अगस्त को आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, 4th मेरिट लिस्ट दैट इज, और उसके साथ साथ उसका एडमिशन प्रोसेस 28 अगस्त तक रहेगा। यहाँ पे और एक बात बताइए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ज्या विद्यार्थ्यांनी याआधी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली होती परंतु प्रवेश घेतले नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर पुनश्च नोंदणी करावी। मतलब जो स्टूडेंट ने कॉलेज का फॉर्म भरा था लेकिन वहां पे एडमिशन नहीं हो पाया या नहीं ले लिया, तो आप लोग को फिर से कॉलेज का फॉर्म भरने का है। तो ये बात थोड़ा सा पॉइंट करके रखिए कि यहाँ पे जिन बच्चों ने कॉलेज का फॉर्म भरा था लेकिन वहां पे मेरिट लिस्ट में 3 मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या उन्होंने नाम आया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, ऐसे स्टूडेंट को फिर से फॉर्म भरने का है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ऐसे स्टूडेंट को फिर से फॉर्म भरने का है, नहीं तो वो वेट करेंगे कि हम लोग ने पहले भरा है तो हम लोग का नाम आ जाएगा, 4th लिस्ट में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया, आप लोग फिर से अप्लाई कर दो कॉलेज में। यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिर से नहीं भरने का है लेकिन कॉलेज का फॉर्म फिर से भरने का है, वही एप्लीकेशन नंबर पे जो आप लोग ने पहले भरा है। तो आई होप कि मैंने जो बातें बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और फटाफट आप लोग अपना प्रोसेस पे लग जाइए क्योंकि इसके बाद एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।